अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आवेदन की स्थिति क्या है, स्टेट रैंक को लेकर क्या अपडेट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो हर एक न्यूज आप तक हम पहुंचाएंगे और बात करेंगे आप लोग के कमेंट्स को लेकर। जी हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, जिससे और भी बच्चों को फायदा मिलता है। जी हाँ, आपके मन में जो डाउट होता है और बच्चों के मन में होता है, लेकिन वो बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा, अगर फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी तो क्या वो सुधारा जा सकता है? इसका आंसर है नहीं, लेकिन इससे बचा जरूर जा सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन में गलती से एक भी नंबर ज़्यादा डाला है, तो ये मिस्टेक छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक में आता है। तो पहले प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट, जहाँ पर आपको लगता है आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वहाँ पहले बात कर लीजिएगा और काउंसलिंग से बचना है आपको। नहीं तो होता क्या, जब नंबर आप ज़्यादा डालते तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपने जानबूझकर मेरिट को प्रभावित करने की कोशिश की है, और उस वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, जब आपकी स्टेट रैंकिंग जारी होती है ना, तो यहाँ पर एक बात लिखी है कि प्रवेश के समय आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लाना आवश्यक है। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट कौन सा, ये आवेदन पत्र है आपको, ठीक है, ये इसका आपको प्रिंटआउट ले जाना आवश्यक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर पड़े, ठीक है, ये आपको ले जाना आवश्यक कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, आवेदन के संबंध में गलत प्रविष्टियों के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार है। अगर आपने कुछ गलती की है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। उस मामले में प्राधिकरण को कानूनी कार्रवाई करने और उम्मीदवार के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग के कमेंट्स का आंसर करते हैं, उसके बाद हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर मेरा टोटल 208 नंबर है, आपको सर प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा? सर मेरे बीटीसी में इतने नंबर हैं, तो गवर्नमेंट का सोचना भी नहीं है, प्राइवेट का चांस बन सकता है। और कितना लेट होगा एडमिशन में, लगता है 2027 में पूरा होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत तो होती है, अब एक बात आप लोग समझ लीजिए जरा। अगर मान लीजिए हमारी क्लासेस 12 दिसंबर 2024 से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, मान लीजिए लगभग एक महीना और डिले हो जाता है, या हमारी क्लासेस जनवरी 2025 से शुरू होंगी, तो 2 साल तो आपका कहीं नहीं गया, 2025 का कंप्लीट ईयर, 2026 का, तो ये बात सही है कि आपका ये 2027 में जाकर फिर पूरा होगा। सर एससी कैटेगरी से हूँ, मेरा 210% है, चांस बहुत ही कम रहेगा डाइट के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज कितने रैंक पर मिलेगा वो पता चल जाएगा क्या? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के कमेंट्स। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज कम से कम 230 प्लस तो होना ही चाहिए, उससे कम में नहीं। सर मैं अभी डीएलएड में एडमिशन करवा लेता हूँ, ठीक है, जुलाई वाला अगर सीटेट निकाल लेता हूँ, ठीक है, इनका कमेंट देखते हैं। और डीएलएड कंप्लीट होते होते सीटेट का अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो दोबारा सीटेट देना होगा या ओनली बीपीएससी? ऐसा नहीं, सीटेट का सिलेबस चेंज होना हो उससे कोई मतलब आपको नहीं है, आपको बस मतलब है सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बस सीटेट पास अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बात खत्म। सर मेरा 241 है, मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज? जी हाँ पूरा चांस है। काउंसलिंग कब से स्टार्ट है सर? तो देखिए अब ज़्यादा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपने काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया है, बस कभी भी ये नोटिस आपके सामने आएगी काउंसलिंग के लिए। एक बात आपको ध्यान में रखना है, रैंक कार्ड दोस्तों सबसे पहले जारी किया जाएगा, क्योंकि रैंक के हिसाब से ही काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और याद रखिएगा, अगर रैंक कार्ड आ जाती है, ठीक है, तो काउंसलिंग हमारी कल से शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियोस रोज देखते रहिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। 239 से EWS प्रयागराज डाट मिल जाएगा, सेम मेरा भी है, हाँ। तो देखते हैं, देखिए हर कॉलेज में सीट लिमिटेड होती है, एक बात याद रखिएगा, अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो EWS का आरक्षण लगभग 10% का होता है, मतलब 10 सीटें इन बच्चों के लिए आरक्षित होती है, ठीक है। तो कंपटीशन इतना आसान नहीं है, इसको भी आपको जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो काउंसलिंग फीस 5,000 रिटर्न होगी या नहीं?
देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट मिलेगा। देखिए, आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर, आप ये बताते, ये थोड़ी नहीं होता कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं मिलता तो 5,000 रुपये रिटर्न होना मुश्किल है। ठीक है, एक बार नोटिस आएगी तो वो हम आपको वैसे भी बता देंगे। वैसे चांस यहाँ पर ना के बराबर होता है, पैसा नहीं मिलता है। रजिस्ट्रेशन का टाइम बढ़ेगा कि नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अगर कुछ चांस बनता है तो हम आपको बताते, क्योंकि 12वीं क्लास वाला मैटर अभी भी फंसा पड़ा है। अगर उधर टाइम और ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है कि PNP एक और मौका दे दे कि चलो ठीक है, एक बार और टाइम हम बढ़ा दें। सर, 229 नंबर जनरल, जनरल से तो बिल्कुल भी चांस बनेगा ही नहीं। अगर आपने EWS बनवाया होता तो एक बार सोचा जा सकता था, लेकिन जनरल से बहुत ही मुश्किल है। नंबर देखिए आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक बात ध्यान रखिएगा, 2,40,000 बच्चों का ही रैंक कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, ये हम कैसे कह रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। जब देखिए दोस्तों, आपकी स्टेट रैंक आएगी तो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा, स्टेट रैंक 1 से लेके 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि यहाँ पर दी गई थी। तिथि दोस्तों लगभग आपको पिछली बार जो मिली थी 15 सितंबर से 3 अक्टूबर। ठीक है, लगभग 15 दिन से ज़्यादा का आपको समय दिया जाएगा, जो कि समय आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, टाइम ठीक ठाक मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फॉर्म भरते समय आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर यहाँ पर दोस्तों देखिए सारे परसेंटेज फिल कर रखे हैं। अगर आपने इसमें कोई गलती लापरवाही की होगी तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है, फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो हर एक अपडेट को आपको ध्यान से देखना है। तो आपने दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन कराया, पैसा पेमेंट किया, Part 2 में हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स डाली, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड किया, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपने सब कुछ किया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब क्या करना बाकी है, अब बाकी है स्टेट रैंक को डाउनलोड करना। स्टेट रैंक पहले आप लोग डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से लॉग इन करके स्टेट रैंक डाउनलोड कर लेंगे। जब स्टेट रैंक आ जाएगी आपकी, उस हिसाब से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो अभी तक का जो पुराना शेड्यूल था उसमें 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक आ जानी चाहिए थी। आप सोच सकते हैं 16 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, ठीक है, लेकिन स्टेट रैंक नहीं आई। 30 अक्टूबर तक आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती और 13 नवंबर तक काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखी जाँच, ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जाँच होती और प्रवेश की कार्रवाई करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, ये सारी चीज़ें हो जाती। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग शुरू होती वो आपको उसकी डिटेल्स अलग से मिलती। तो देख सकते हैं स्टेट रैंक 1, ये भाई बहुत बड़ी बात है रैंक 1 लाना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सब्र बनाए रखना है, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या डेट एक बार एक्सटेंड होगी इसकी अपडेट हम आपको बताएंगे। आवेदन समाप्त हो चुका है, एडमिशन की तैयारी चल रही है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से सुन लीजिए, अलॉटमेंट लेटर जो 10,000 रुपये दे के आपको मिलेगा, दूसरा प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म इसकी PDF आपकी लगेगी, फॉर्म भरा आपने जिसमें सारी डिटेल्स है, 3rd नंबर पर आपका हाई स्कूल का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, 12वीं का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, वही आपके रिजल्ट में सर्टिफिकेट देखिए नंबर रहता नहीं है सारी चीज़, 5वीं में ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 6ठे नंबर पर दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र, 7वीं पर आपका निवास प्रमाण पत्र, 8वें नंबर पर आपका आधार कार्ड, 9वें नंबर पर आपका TC जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10वें नंबर पर शपथ पत्र, 11 नंबर पर आपने फॉर्म भरते समय जो भी आपने ID लगा रखी है, बैंक पासबुक या कुछ ना कुछ तो आपने लगा रखा होगा ना, तो वो आपका लगेगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होती है, कन्फ्यूजन में होते हैं। ठीक है, तो चलिए और देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ आपकी जाएगी मिनिमम 230 प्लस जनरल में, EWS OBC 225, SC कैटेगरी 215, बाकी में 200 प्लस। डायरेक्ट एडमिशन, ये जब काउंसलिंग का दौर खत्म होता है तो डायरेक्ट एडमिशन की बात होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में क्या अपडेट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो योर स्टेट रैंक या नो योर रैंक पर कर रहे हैं तो अभी भी ये बंद दिखा रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो DL@result.com 3 नवंबर तक की अपडेट आज हमने इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो भी डाउट है, जो भी कमेंट्स है, ठीक है, थोड़ा सब्र करना सीखें, जल्दी न्यूज आपके सामने आएगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।